नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे पर हमारी खास पेशकश। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे हमारे दांतों की सेहत और उनकी सुरक्षा को समर्पित दिन है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे शरीर के बाकी अंगों की तरह ही हमारे मुंह की, हमारे दांतों की सेहत यानी हमारी ओरल हेल्थ का ख्याल हमारे लिए कितना जरूरी है। जरा सोचिए कि आप एक खुद को खुश करने के लिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा रहे हैं, या फिर गर्मा गर्म चाय का एक सिप लेते हैं, या फिर ठंडा पानी ही पी लेते हैं और आपके दांतों में तेज झनझनाहट होती है और अचानक ऐसी दिक्कत से आप उस वक्त खाने पीने का आनंद भी नहीं ले पाते, लेकिन फिर थोड़ी देर में आपको लगता है कि ये बस थोड़ी देर की परेशानी है और आप उसे भूल जाते हैं, हर बार की तरह इग्नोर कर देते हैं। दांतों में झनझनाहट होना या टूथ सेंसिटिविटी हमारे देश में अनेक लोगों को होती है। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में हर 3 से 1 भारतीय को दांतों की सेंसिटिविटी की परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अधिकतर लोग इसका हल ही नहीं ढूंढने की कोशिश करते और फिर धीरे धीरे ये बड़ी परेशानियों की वजह बन जाती है। लेकिन आज इस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे पर हम खुद से वादा करें कि हम खुद में बदलाव लाएंगे और अपने शरीर के दूसरे अंगों की तरह रखेंगे अपने दांतों की सेहत का भी ख्याल। और आज दांतों की सेंसिटिविटी सहित तमाम ओरल हेल्थ इश्यूज पर बात करने और उनके बारे में जानने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय लाभ जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो पिछले 25 वर्षों से बतौर ऑर्थोडोनिस्ट डेंटल सर्जन इंदिरापुरम गाजियाबाद के सेंटर फॉर एडवांस्ड डेंटल केयर अपनी सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टर संजय लाभ जी। और डॉक्टर संजय लाभ जी, आज हम आपसे तमाम वो सवाल पूछेंगे और हमारे दर्शक जिन बातों के बारे में आपसे पूछना चाहेंगे वो भी हम सवाल लाइव लेंगे। तो फिर शुरुआत करते हैं अपने शो की। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि हम अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं और अगर कोरोना की हम बात करें तो कोरोना के दौरान हमें पता चला कि किस तरह से आपको हाइजीन मेंटेन करना है, किस तरह से आपको पूरे शरीर का ख्याल रखना है, हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ओरल हेल्थ दूर रह जाती है, ऐसा क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। किसी तरह से ये ओरल हेल्थ नेग्लेक्टेड है, बट कोरोना ने हमें बहुत कुछ समझाया, सिखा दिया कि जो टी जोन है, मतलब नोज एंड आईज एंड लिप्स, इस जोन को कैसे कम छूना है, इसे कैसे कम से कम गंदा करना है और कैसे इसको बहुत साफ रखना है। और माउथ जो है वो तो एक एंट्री पॉइंट, शरीर में कुछ भी आप इसके अंदर, अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ दोनों आपके अंदर में मुंह से ही जाती है। तो मुंह का आप जितना ख्याल रखें, आपके हृदय, आपके पाचन तंत्र, आपका लिवर, आपका किडनी, पैंक्रियाज, सब कुछ उतना ही स्वस्थ रहेगा और आप उतने ही स्वस्थ रहेंगे। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे पे हम सबको प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम कैसे अपने मुख को साफ रख सके। बहुत सिंपल काम है, हम अपने चेहरे को साफ रखते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, और मुंह को अगर साफ नहीं रखेंगे तो हमारा शरीर अंदर से गंदा रहेगा। बिल्कुल। और ये बहुत सरल तरीके से इसको साफ किया जा सकता है। सिंपल ब्रशिंग, अच्छा टूथपेस्ट, अच्छा ब्रश और अच्छी ब्रश करने की तकनीकी बिल्कुल से इसको रखा जा सकता है। और जहाँ तक आपने दांतों की सेंसिटिविटी की बात की, तो डेफिनेटली ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। फिजिशियन के पास जो कॉमन कोल्ड, जो सर्दी जुकाम है, वो सबसे कॉमन होता है। और डेंटिस्ट के पास सबसे कॉमन प्रॉब्लम लेकर अगर कोई आता है तो वो है दांतों की झंझनाहट या दांतों की सेंसिटिविटी। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है, बेसिकली ये सेंसिटिविटी है। तो डेफिनेटली बहुत कॉमन है। अन्य कॉमन बीमारी है जैसे कैविटी है, दांतों की कैविटी बच्चों में काफ़ी कॉमन है, एडल्ट्स में भी है, मसूरे से खून आना, और इसके अलावा और बहुत कुछ तो है ही। दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के दिन में। इन सबको अच्छी सफाई से बहुत हद तक कंट्रोल में किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हम महंगे से महंगा कॉस्मेटिक अपनी स्किन के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन हम टूथपेस्ट कौन सा यूज करना है, ब्रश कौन सा यूज करना है, इसके बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं करते। मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि कौन सी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जो सबसे ज्यादा आपके पास आती है, कौन सी ऐसी शिकायत है? जी, डेफिनेटली जो दांतों की सेंसिटिविटी है बहुत ही कॉमन है, फिर डेंटल केरीज है, कैविटीज जिसको आप कहते हैं, गम ब्लीडिंग है, दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना है, दांत के दर्द, इन सब चीज़ों को लेकर पेशेंट्स मोस्ट कॉमनली आते हैं हमारे पास। जी, जैसे कि आपने कहा कि दांतों की सेंसिटिविटी, झंझनाहट, इन सब प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं लोग, और जैसा कि हमने रिसर्च में भी जाना कि 3 में से जो 1 पेशेंट है वो इसी से ग्रसित होता है, क्या वजह है और कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आप हमारे दर्शकों को देने चाहेंगे? बिल्कुल, इसके कई वजह हो सकते हैं। दांतों की सेंसिटिविटी तब होती है, दांत का एक स्ट्रक्चर है कि दांत का जो सबसे बाहरी लेयर है उसे एनामेल कहते हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रांग होता है, वो हमें दांत के अंदर के स्ट्रक्चर को वो प्रोटेक्ट करता है।
अगर वो किसी वजह से घिस गया या वो एक्सपोज हो गया, घिसने से उसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है उसका नाम डेंटिन है, जिसके अंदर नसें होती हैं। तो जब वो एनामिल घिस जाता है, वो घिस जाता है या हट जाता है या क्रैक कर जाता है, कुछ भी अगर हो जाता है, या वो एक्सपोज गम के नीचे आने से, मोस्ट कॉमनली हमारे एज के साथ या प्लाक डिपॉजिट होने के साथ जो गंदगी जमा हो जाती है उसके वजह से मसूड़े नीचे आ जाते हैं, जिसके वजह से ये एनामिल या उसके नीचे सिमेंटम होता है वो एक्सपोज हो जाता है, एक्सपोज टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब अभी वो ढका हुआ, अंदर की चीज़ अभी ढकी हुई है मसूड़े से तथा इनामिल के द्वारा डेंटिन भी ढका हुआ है। अगर किसी वजह से इनामिल हट जाता है या मसूरा नीचे आ जाता है तो दांतों के जो नस अंदर के नस है वो एक्सपोज हो जाते हैं, और फिर वो ठंडा लगना, गर्म लगना, वो जितने भी तरह के सेंसिटिविटी है वो अंदर जाने लगते हैं और आपको महसूस होने लगते हैं। तो एक बार अगर इनामिल हट गया तो हट गया, उसको रीजेनरेट नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो इसका बचाव करना चाहिए, बिल्कुल, और अगर बचाव नहीं हो पाया तो इलाज करना चाहिए जी। और कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, कि पहले आप है ना परहेज कर लीजिए, इलाज से बेहतर है आप परहेज कर लीजिए। तो इसके लिए आप क्या परहेज के ऑप्शंस देना चाहेंगे? मसूड़े को स्वस्थ रखें, सबसे पहले स्वस्थ रखने के लिए आपको कम से कम 2 बार दिन में ब्रशिंग करनी चाहिए। जब भी आप खाना खाते हैं, कहीं भी हो, घर में, ऑफिस में, अभी सभी लोग काम करते हैं, ऑफिस में रहते हैं, खाते हैं, खाना खाने के बाद हम दांत को कुछ नहीं करते, बस खाना खाया काम में लग जाते हैं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। खाना खाने के बाद आपके पास पीने को पानी है, उस पानी से ही कुल्ला कर लें, और भगवान ने उंगली दिया हाथ में, इस उंगली से 2-3 बार उंगली को चला लें, इतना ही अगर कर ले तो फूड डेब्रिस वहाँ जमा नहीं रहेगा, और अगर वो नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया का जो कीटाणु है, जर्म्स, उसका कोलोनाइजेशन, उसका जमावड़ा नहीं होगा। और ब्रशिंग भी जब करें, आपको थोड़ा रोकूंगा मैं, तो बहुत सॉफ्टली, जेंटली, धीरे धीरे करना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको इग्नोर करते हैं, जो कि इग्नोर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपने जैसे टूथ सेंसिटिविटी की हम बात कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसे टिप्स हैं अगर आपको एक बार शुरू हो गई है तो उसको बचाया जा सके? देखिए, शुरू हो गई तो पहले आपको तो डेंटिस्ट से मिलना होगा, ऐसा इसीलिए क्योंकि वो किस वजह से हुआ, भगवान अपने आप प्रयास करते हैं पूरा, कि बॉडी खुद बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो जहाँ तक बॉडी प्रोटेक्ट कर सकती, प्रिवेंट कर सकती, करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर सिम्टम अपीयर हो गया, इसका मतलब ये बॉडी के रिपेयर के बियॉन्ड है, तो उसका सही वजह एक डॉक्टर ही बता सकता है, सही वजह। और डॉक्टर जब देख लेंगे क्या वो मसूरा गम रिसेशन की वजह से हो रहा है या इनामिल एब्रिजन की वजह से हो रहा है। कई बार बहुत लोग कोला पीते हैं, एसिडिक ड्रिंक लेते हैं, इसके वजह से इनामिल का इरोजन हो जाता है, इनामिल गल जाता है, यूँ समझिए। तो वजह क्या है ये आप नहीं पता कर पाएंगे, ये डॉक्टर ही पता कर पाएंगे। एक बार सिंपल दिखाना है, और दिखा करके सिंपल शुरू में अगर आप दिखा ले तो बड़े आसान तरीके से, बड़े कम पैसे में ठीक हो सकता है। बिल्कुल, हम बहुत बचते हैं डॉक्टर के पास जाने को, और जहाँ बात आती है डेंटिस्ट की तो हमें लगता है कि कोई नहीं, आज ठीक हो जाएगा, हम पेन किलर्स ले लेते हैं, बट वो दर्द बढ़ते बढ़ते कब इतना विकराल रूप ले लेता है, वो आपके लिए ही खतरा बन सकता है। और इसी दौरान हमारे साथ कुछ दर्शक भी अब जुड़ने वाले हैं, अपने सवाल पूछने वाले हैं डॉक्टर साहब से। तो पहले दर्शक का सवाल लेते हैं, क्या पूछना चाहते हैं वो? हेलो डॉक्टर, मेरा नाम शिखा है, आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस ये जानना चाह रही थी, क्या गम्स के कमजोर होने की वजह से दांतों में झनझनाहट होती है या इसका कोई और भी रीजन है? नमस्कार सिद्धा जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल, गम मसूरों के कमजोर होने की वजह से, कमजोर होने से मसूरे रिसेड कर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और इसके वजह से दांतों में झनझनाहट होती है, क्योंकि रूट एक्सपोज हो जाते हैं। जो रूट अभी तक गम दांतों के जो जड़ थे, वो जो कि मसूरे के द्वारा कवर्ड थे, वो अब खुल गए, उसके अंदर फिर नसें रहती हैं, और जिसकी वजह से दांतों में झनझनाहट होती है। तो स्वस्थ मसूरा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है स्वस्थ दांत होने के लिए। तो मसूरों की कमजोरी से दांतों की झनझनाहट जरूर होती है, बिल्कुल होती है, और भी वजह होते हैं, जैसे दांत में अगर कोई सिंपल क्रैक हो गया तो भी झंझनाहट होगी, दांत में कोई कैविटी है तो भी झंझनाहट होगी, दांत में अगर इरोजन हो गया एनामिल का किसी वजह से, बहुत एसिडिक या सिट्रस फ्रूट लेने की वजह से, किसी कुछ लोगों को उल्टी बार बार होती है, रिगर्जिटेशन होता है, जैसे प्रेगनेंसी में भी काफ़ी उल्टी होती है, उसमें पेट का एसिड आ जाता है तो उससे भी इरोजन हो जाता है, या कुछ लोगों को ऐसे ही एसिडिटी बहुत रहती है तो वो डेंटिस्ट के पास अगर जाते हैं तो उन्हें डेंटिस्ट पहचान जाएंगे कि इनको एसिडिटी है, तो उसका एसिडिटी का भी ट्रीटमेंट प्रॉपर डॉक्टर से होगा। तो इन सब कई वजहों से हो सकती है सेंसिटिविटी, और इसका इलाज बिल्कुल सही कारण जान करके इसका इलाज बड़े आसानी से किया जा सकता है। बिल्कुल, सेंसिटिविटी आपको आपने जैसा कि बताया कि गैस्ट्रिक से भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, गैस्ट्रिक से तो बहुत ज्यादा, खास करके महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी में
दांतों का केयर रखना और भी बहुत जरूरी है। कम से कम 9 महीने में 2 बार दांतों की सफाई अच्छे से होनी चाहिए, जिससे कि मसूरा मजबूत रहे, क्योंकि बहुत तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिससे मसूरे में सूजन आ जाती है और प्लाक एक्युमुलेशन बहुत ज्यादा होता है, फिर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और कई तरह के इलाज हम कर भी नहीं सकते इस प्रेगनेंसी में। तो इसके लिए सिंपल इलाज जो है दांतों की सफाई और प्रॉपर टूथपेस्ट एंड टूथब्रश का इस्तेमाल करने से बहुत तरह की बीमारियों से बचा। बिल्कुल। और जब हार्मोनल चेंज की बात आती है खासतौर पर महिलाओं के लिए, तो एक वो मिथ बना हुआ है कि आपके बालों पर असर पड़ेगा, आपकी स्किन पर असर पड़ेगा, आपके वजन पर असर पड़ेगा, लेकिन दांतों की बात आई थिंक कोई भी नहीं सोचता है, वहां तो कोई नहीं जाता है। तो इसीलिए आज हम डॉक्टर संजय लाभ जी को यहाँ पर हमने बुलाया है और पूरी जानकारी ले रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतने सारे फैक्ट्स बता रहे हैं। इसी दौरान एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। हाय डॉक्टर, मेरा नाम नेहा है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो मार्केट में डीसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट है, हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक बार जब हमारी सेंसिटिविटी ठीक हो जाती है तो क्या हम उसे बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम अपने रेगुलर टूथपेस्ट में स्विच कर सकते हैं? आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार नेहा जी, आपका बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा कि उस डीसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट को लॉन्ग टर्म में यूज करना चाहिए। तो हमें पूरा यकीन है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और इसी दौरान अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। सो डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा है 12 साल का, तो हम लोग उसकी ओरल हेल्थ के लिए काफ़ी जो है केयरफुल रहते हैं, और हम लोग उसको, मेरी वाइफ भी है प्लस मैं भी, उसको बताते हैं कि बेटा हर जो है एटलीस्ट मॉर्निंग और इवनिंग में 2 बार ब्रश जरूर किया करो अपने दांतों को। डॉक्टर साहब, हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो है कि ये ओवर ब्रशिंग या बार बार ब्रश करने से भी क्या सेंसिटिविटी दांतों में इशू रहता है या झंझनाहट होती है? अगर सॉफ्ट ब्रश को जेंटली कम समय के लिए कितनी भी बार किया जाए तो ओवर ब्रशिंग नहीं होगी, और अगर एक बार भी आप बहुत हार्ड ब्रिसल वाले ब्रशर को काफ़ी फोर्स के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं हर दिन अगर एक ही बार भी करते हैं आप, लेकिन काफ़ी फोर्सफुली करते हैं और उसके ब्रिसल्स काफ़ी स्ट्रांग है, तो वो हानिकारक हो सकता है। और अगर आप बहुत ही सॉफ्ट जेंटल ब्रश को जेंटली अगर 2 बार भी 3 बार भी 4 बार भी करते हैं तो हानिकारक नहीं हो सकता। तो ये टेक्निक सबसे इम्पॉर्टेंट है, कितना फोर्स आप लगाते हैं, कितना जेंटली, किस तरह से आप क्लीन करते हैं, बड़े प्यार से बड़े जेंटली दांत को साफ बार बार भी किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत फोर्सफुली अगर एक बार भी किया जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने उसे सही निर्देश दिया हो अपने बच्चे को कि जितनी बार भी वो चॉकलेट या जो भी खाता है दांत को साफ करे, ब्रश से भी करे, अगर ब्रश नहीं अवेलेबल है तो उंगली से कर ले। तो बहुत अहम बातें हैं जो आज हम यहाँ पर स्टूडियो में कर रहे हैं, और इसी वजह से हमारे साथ ढेर सारे दर्शक भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। जी बताइए। हेलो डॉक्टर, मेरा नाम गौरव है और मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ एक्चुअली मीठे की बहुत शौकीन है और वो डेली आइसक्रीम वगैरह खाती है, तो उसको टूथ सेंसिटिविटी की काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है। सो मैंने इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, मेरे को यही जानना था कि ये ट्रीटमेंट से ही जाएगी उसकी टूथ सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम के वी कैन इग्नोर इट। नमस्कार गौरव जी, आप इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते, खासकर अपनी प्यारी वाइफ के डेंटल प्रॉब्लम्स को क्यों इग्नोर करेंगे। अगर आप उन्हें डेंटिस्ट के पास ले जाएँ, बिल्कुल एक सिंपल चेकअप में डेंटिस्ट ये पता कर लेंगे कि दांत में किस वजह से सेंसिटिविटी है, बहुत बहुत सिंपल कारण होगा, और वो आपको कुछ टूथपेस्ट डीसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट एडवाइस करेंगे, या और भी अगर कुछ ज़रूरत होगा तो वो बताएंगे, और उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको डेंटिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल, और सलाह जितनी जल्दी आप ले लें उतना ही आपके लिए अच्छा है। और आपका संजय लाभ जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा है, लेकिन वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम आपसे और सवाल पूछें। लेकिन आज आपने जो ओरल हेल्थ के बारे में बताया, खासतौर पर जो डेंटल इश्यूज हैं, जो सेंसिटिविटी इश्यू है, उसके बारे में आपने बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, थैंक यू। तो आपने डेंटल एक्सपर्ट संजय लाभ से जाना कि कैसे छोटी छोटी टिप्स इस्तेमाल करके आप रख सकते हैं अपने दांतों की सेहत का ख्याल। तो आप भी अपनाइए ये टिप्स, याद रखिए सही स्पेशलाइज्ड टूथपेस्ट और सॉफ्ट ब्रश और ब्रश करने की सही टेक्निक आपके दांतों की सेंसिटिविटी जैसी कॉमन प्रॉब्लम से बचाने में मददगार हो सकती है। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे पर इस खास पेशकश में इतना ही।